वीर गाथा में आज सुनिए एक कुशल संपादक, प्रकाशक, शिक्षक, कथाकार, निबंधकार, अनुवादक, आध्यात्मिक साधक श्री माधव राव सप्रे की गाथा। आजादी के आंदोलन की पहली पंक्ति के नायकों ने जहां देश में जागरूकता पैदा की, वहीं साहित्य, कला, संस्कृति और पत्रकारिता में सक्रिय नायकों ने अपनी लेखनी और सृजनात्मकता से भारत बोध और हिंदी प्रेम की गहरी भावना समाज में पैदा की। 19 जून सन 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया में जन्मे श्री माधव राव सप्रे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। कर्मयोगी पंडित माधव राव सप्रे का कृतित्व और अवदान कालजयी है। कर्मवीर के प्रकाशन से संपादक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे तेजस्वी संपादक हिंदी संसार को उन्हीं ने दिए। उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवदान स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी की सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करना है। 19 जून सन 1984 को राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर को संजोने और भावी पीढ़ियों की अमानत के रूप में संरक्षित करने के लिए जब एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना का विचार फलीभूत हुआ, तब सप्रे जी के कर्तृत्व के प्रति आदर और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए भोपाल में संस्थान को माधव राव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय का नाम दिया गया। पत्रकार होने के नाते उनमें अपने समाज और राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं के बारे में असाधारण जागरूकता थी और सच कहने का अपूर्व साहस भी। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री माधव राव सप्रे को हमारा शत शत नमन।